So today we are going to do slicing of list, tuple और strings. So basically ये जो operation है slicing, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इससे पहले आपने इन data structures के साथ किया था indexing. Indexing में क्या होता है कि आपके पास कोई भी list है, tuple है, आप यहाँ पर index देते हो, तो index one पे पड़ी हुई value आपके पास fetch होके आ जाती है. जैसे कि अगर मेरे पास एक tuple है, a is equal to 10, 15, 20, 28. So this will give me 15 because ये index 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. So whatever I have on index, ठीक है. Similarly, अगर list होती तो भी ऐसे ही होता. अगर आपके पास string भी होती, like you have hello and आप यहाँ पर लिखते हो B1, तो आपके पास E आ जाएगा. अगर आप B3 लिखते हो तो L आ जाएगा. So it will give you the value at a particular position. So उसे कहते हैं indexing. सिंगल पोजिशन पे से जब वैल्यू उठाई जाती है उसे इंडेक्सिंग कहा जाता है. बट इफ आई हैव टू पिक अप वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन रेंज ऑफ पोजिशंस, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग. तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? टू फेच द वैल्यूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ इंडेक्स. सो वी गिव अ रेंज ऑफ इंडेक्स और उस रेंज ऑफ इंडेक्स में से आपको वैल्यूज फेच करनी है. तो स्लाइसिंग में हम अपने लिस्ट का, टपल का, स्ट्रिंग का, जिसका भी है नाम देते हैं. हम बताते हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी. सो वी टेल द स्टार्टिंग पोजीशन, कोलन का साइन आता है. आप एंडिंग पोजीशन बताते हो, कहाँ तक आपको फेच कराना है. एंड ये ऑप्शनल चीज है, स्टेप जो आप यहाँ पर दे सकते हो. सो तीन चीजें दी जा सकती हैं, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, स्टेप, और बीच में होता है कोलन का साइन. ठीक है, सो बीच में क्या होता है? कोलन का साइन. सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने लिया है ए इज इक्वल टू 10, 15, 20, 22, 28, 32, 35, समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर लिस्ट, और आपने लिखा ए 2:5. मैंने यहाँ पर स्टेप नहीं दिया. स्टेप नहीं दिया तो इससे क्या होगा? ए 2:5 मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन 2. So position 2 is, this is 0, this is 1, this is 2. We are going to start from here. 2, 3, 4, 5. 5 को हम यहाँ नहीं लेंगे. हम सिर्फ किसको फेच करेंगे? 2, 3, 4 को. So ये ध्यान रखना है स्लाइसिंग में कि अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता. जैसे लूप के साथ रेंज में अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, वैसे यहाँ पे भी अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता. So upper index is not included. Fine. So upper index is not included over here. So आपने यहाँ पे लिखा है 2:5. So 2, 3, 4 को fetch करेगा. Step by default 1 होगा. मतलब हम जो इंडेक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं ना. 2+1 3, 3+1 4, वी आर डूइंग इट लाइक दिस. सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब आप यहाँ पर किसी भी इंडेक्स से कहीं से भी वैल्यूज को उठा सकते हो और उनके ऊपर काम कर सकते हो. आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स कि हम इसमें किस किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके पास ये लिस्ट है जिसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 है. सो आई हैव दिस. ठीक है, अब ये मेरे पास है. मैंने यहाँ पर लिखा A3:7. आप बताओ क्या आउटपुट आएगा? इफ आई राइट A3:7, वॉट आउटपुट विल आई गेट? हाँ जी बताइए, वॉट इज गोइंग टू बी द आउटपुट ऑफ दिस? सो ये क्या कह रहा है? 3 से शुरू करो, 7 पे खत्म करो. वेरी गुड आयुष. सो 3 से शुरू करेंगे, 7 पे खत्म करेंगे, मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे, 40, 50, 60, 70, 6 पोजिशन तक फेच होकर आ जाएगा, उसके आगे का नहीं आएगा. ठीक है,
देन वी हैव A:3, A:3। अब देखो इसमें स्टार्टिंग जो है वो मिसिंग है। जब स्टार्टिंग मिसिंग होगी तो आप स्टार्टिंग को क्या एज्यूम करोगे? जीरो। स्टार्टिंग विल बी एज्यूम्ड एज जीरो, तो वो जीरो से माना जाएगा, और थ्री जो है वो एंडिंग पोजिशन मानी जाएगी। सो हम 0, 1, 2, 3 को नहीं लेंगे क्योंकि अपर इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है, तो अपर इंडेक्स को हम नहीं लेते, इसलिए इट विल बी 10, 20, 30। ठीक है, फिर आपके पास आ गया 5:। सो 5 क्या है? 60। 60 से शुरू कर रहे हैं, सो इट विल बी 60, 70, 80, 90। सो 60, 70, 80, 90 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 60, 70, 80, 90 हो। देन आई हैव 3:7:2। 3:7:2 इसका क्या मतलब है? शुरू 3 से कर रहे हैं, एंड 7 पे कर रहे हैं, लेकिन अब जो स्टेप है वो 2 है। स्टेप कुछ भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। सो 3:7:2 का मतलब है 3 से शुरू करेंगे, लेकिन 3 के बाद सीधा 5 पे चले जाएंगे। अब 5 के बाद 7 पे जाएंगे तो 7 तो एक्सक्लूडेड है, तो मतलब सिर्फ 3 और 5 इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी। सो आपको इंडेक्स उठाना है 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, विच इज आउटसाइड द रेंज, वी विल स्टॉप। सो हम सिर्फ 3 इंडेक्स और 5 इंडेक्स को पिक करेंगे, एंड इट विल शो 40 और 60। और अगर आप कोलन कोलन लिख के छोड़ देते हो, कोलन कोलन मतलब स्टार्ट एंड स्टेप आपने कुछ भी नहीं दिया, तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज ही आ जाती है। सो इसका मतलब है कंप्लीट लिस्ट विल कम एज इट इज। ठीक है, अब मैंने उल्टा दे दिया 7:3, तो इसका क्या आएगा? नो आउटपुट। सो देयर विल बी नो आउटपुट ऑफ दिस। तो 7:3 आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपको उल्टा चाहिए तो आपको स्टेप में -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टेप पॉजिटिव है तो उल्टा रिजल्ट नहीं आता हमारे पास। वी हैव टू राइट 7:3:-1। तो 7 से शुरू होगा विच इज 80, फिर आपके पास 6 पोजिशन वाला आएगा जो कि है 70, फिर 60, फिर 50। 3 पोजिशन वाला नहीं आएगा क्योंकि जो भी एंड पोजिशन होगी उसको कभी भी रिजल्ट में शो नहीं करते हैं। सो एंड पोजिशन इज नेवर शोन इन द रिजल्ट, चाहे आप आगे से पीछे की तरफ जा रहे हो, चाहे आप पीछे से आगे की तरफ आ रहे हो, पर लास्ट इंडेक्स कभी भी स्लाइसिंग में नहीं आता है। ठीक है, अब मैं यही चीज आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने आपको अभी बोल के लिख के दिखाई है, बट लेट्स ट्राई इट आउट। सो वी राइट 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90। लेट्स से ये बना लिया। अब आपने लिखा A:3:7। सो आ गया हमारे पास, फिर अगर मैं लिखती हूँ 3:7:2, सो आई गेट 40 और 60, क्योंकि 3 और 5 पोजिशन वाला आ रहा है। अगर आपने 3 लिख दिया तो 3 और 6 पोजिशन वाला आएगा, विच इज 40 और 70। अगर आप यहाँ पे उल्टा दे देते हो 7:3, कुछ भी नहीं आएगा, खाली लिस्ट आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर -1 दे देते हो, सो यू गेट इट इन द रिवर्स ऑर्डर, 80, 70, 60, 50। ठीक है, अगर कोलन कोलन लिखते हो तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स में चाहिए तो आप A:-1 लिख दो। तो इसका क्या मतलब है कि वो शुरू से लेके एंड तक ले रहा है पूरी लिस्ट, लेकिन उल्टा चला रहा है। सो अगर स्टेप नेगेटिव है तो आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, अगर स्टेप पॉजिटिव है तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। ये चीज हमेशा याद रखोगे कि स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव 1 होती है, और अगर आप चाहते हो कि राइट टू लेफ्ट जाए तो आपको स्टेप की वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। सो इफ यू गिव नेगेटिव वैल्यू इट विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इफ इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू इट विल गो लेफ्ट टू राइट। अब इसमें भी हम अगर दो दो के गैप पे चाहते हैं तो -2 दे सकते हैं, 2 के गैप पे आ रहा है, 2 के गैप पे पॉजिटिव चाहिए था तो ऐसे लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू गेट इट लाइक दिस। समझ आ रहा है ये? आर यू गेटिंग इट हाउ स्लाइसिंग इज वर्किंग? और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिस्ट के साथ काम करती है, आपने ये सेम चीज स्ट्रिंग के साथ चलानी है, टपल के साथ चलानी है, इट विल वर्क द सेम वे। सो बी इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, मैंने लिखा B:3:0:1:2:3। 3 पे आपके पास P है, सो इफ आई राइट 3:7 आई विल गेट PUTE, 3, 4, 5, 6, 4 लेटर्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे चाहिए 9 ऑनवर्ड सब कुछ आ जाए तो आपके पास पूरा साइंस आ गया।
ठीक है, आपको 9 तक सब कुछ चाहिए था या 8 तक सब कुछ चाहिए था, तो वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सो स्लाइसिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिस्ट के ऊपर होती है या सिर्फ टपल के ऊपर होती है, इट वर्क्स ऑन एनीथिंग। ठीक है, सो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्ट्रिंग इनपुट करो और चेक करके बताओ कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करवा ली, मैंने उसको पूछा एंटर अ स्ट्रिंग। अब पैलिंड्रोम क्या होता है कि उसको आप राइट से रीड करो या लेफ्ट से रीड करो, इट इज द सेम थिंग, है ना। सो नितिन है जैसे, अब वो नितिन को मैं जैसे भी रीड करूं आगे या पीछे से, तो मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करवा ली और फिर क्या ले लिया, उसका रिवर्स ले लिया। रिवर्स कैसे आ जाएगा, टीएक्सटी कोलन कोलन -1। और अब मैं चेक कर लूंगी कि अगर टीएक्सटी और रिवर्स दोनों सेम है तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि टीएक्सटी इज पैलिंड्रोम, एल्स हम प्रिंट कर सकते हैं टीएक्सटी इज नॉट अ पैलिंड्रोम, सेव इट एंड देन एग्जीक्यूट इट। सो आपने इसको रन किया, आपने इनपुट किया नितिन, सो नितिन इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब इसको मैंने रन किया और इनपुट किया अंजलि, सो अंजलि इज नॉट अ पैलिंड्रोम। सो बेसिकली यू विल गेट योर रिजल्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आप इसको स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हो, आप टपल्स के साथ भी यूज कर सकते हो, आप लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। स्लाइसिंग के ऊपर आपको बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग आपको यूज की में आ सकती है बहुत सारी जगह पे, जहां पर आपको कुछ लिमिटेड एरिया से वैल्यूज निकालनी हो या इवन आपको डिलीट करनी हो। अगर आपको कहा जाता है कि 3 से 7 इंडेक्स तक डिलीट करा दो, जैसे अब ये ए है, अच्छा प्रोग्राम रन कर दिया ना, उसमें कुछ और आ गया। अगर आप एक लिस्ट लेते हो, आपने यहाँ पर लिया सी इज इक्वल टू 27, 8, 9, 5, 7, 8, 6 मान लो ये है, एंड अगर इसमें से आपको इंडेक्स 2 से लेके 5 तक सारे डिलीट कराने हैं, तो अदरवाइज तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका नहीं है कि 2 से लेके 5 तक सारे डिलीट हो जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेल ऐसे भी दे सकते हो, डेल C2:5। और अब देखो तो इसमें क्या हुआ, इंडेक्स 2, 3, 4 डिलीट हो गया, 5 डिलीट नहीं होगा, तो 7 के बाद सीधा 7 आ गया। सो आई कैन इवन डिलीट अ स्लाइस, यस आयुष वेरी गुड। सो आप ऐसे ही स्लाइस को डिलीट भी कर सकते हो। और आप यहाँ पर अगर चाहो कि किसी स्लाइस में आप कुछ वैल्यूज पुट कर दो, लाइक 2:4 = और मैंने यहाँ पर दे दिया 4, 5, 6 लेट्स से ये, और अब आप देखोगे तो 2:4 पे जो था वो हट जाएगा, 7 और 8 था, 7 और 8 हट गया, उसकी जगह पर नया 4, 5, 6 आ गया। सो दैट इज बेसिकली स्लाइसिंग। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, प्रैक्टिस के लिए वी हैव टू डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको भी एक पीडीएफ दिखाती हूँ, फिर हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको कि एक लिस्ट है और आपको इसका आउटपुट बताना है। सो व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या लिखा है, A:-5। सो A:-5 का मतलब क्या है कि आपको शुरू कहाँ से करना है, 0 से, है ना। सो कोलन माइनस फाइव है, दैट मीन स्टार्टिंग पोजिशन मिसिंग है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड -5 इज द एंडिंग पोजिशन। तो यहां से ले लो -1, -2, -3, -4, -5। तो शुरू हम 0 से कर रहे हैं, जा रहे हैं -5 तक, और अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होगा। सो आप 0, 1 और 2 को फेच करोगे, -5 से पहले आपको रुकना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो मुझे चैट में लिख के बताओ कि किस किस का आंसर यही है, किसने सेम सोचा था।
ठीक है. नेक्स्ट है 3:-3. 3:-3 का मतलब क्या है कि स्टार्ट कहां से करना है, 3 से, एंड कहां पे करना है, -3 पे. तो -1, -2, -3 ये आपका एंड है. शुरू कहां से करना है, 0, 1, 2, 3 से, यहां से. सो यहां से शुरू करना है और ये दो नंबर्स आपको उठाने हैं, ठीक है. सो 3 से शुरू करूंगी, -3 से पहले आपको रोकना है. सो इसका आंसर भी क्या आएगा, ये. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग हेयर. गॉट इट? सिंपल है, ठीक है. दिखने में लगते हैं कि शायद कुछ ज्यादा ट्रिकी होगा, पर ऐसा नहीं है. आप पोजिशन लिख के करो, आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है. नाउ इसमें देखो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1. सो ये जो -1 है ये स्टार्टिंग है. सो -1 से आप स्टार्ट कर रहे हो और आगे कोलन कोलन मतलब एंड तक जा रहे हो, मतलब मैं शुरू ही यहां से कर रही हूँ. अब मैं शुरू ही यहां से कर रही हूँ तो इसके आगे तो कुछ और है ही नहीं. सो दिस विल बी द ओनली एलिमेंट फेच्ड, क्योंकि आप स्टार्ट ही उसको -1 से कर रहे हो. सो -1 से आप स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर गोइंग अप टिल एंड. अब एंड में तो यही आखिरी एलिमेंट है, तो इसलिए आपका सिर्फ 80 जो है वो आ जाएगा. अगर ये होता कोलन -1, कोलन -1 का मतलब क्या होता कि स्टार्टिंग क्या है, 0 है, तो आप 80 को छोड़ के बाकी के सारे ले लेते, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आ जाते सारे, अगर कोलन -1 होता. और अगर होता कोलन कोलन -1, तो फिर आपका ये ए वाला आंसर आ जाता, जो कि आपकी पूरी लिस्ट को उल्टे ऑर्डर में शो कर देता, क्योंकि उसका मतलब है लिस्ट तो पूरी उठानी है लेकिन चलना उल्टा है. सो दैट इज इट. ये कुछ क्वेश्चंस थे. इसमें आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड हैं. मैं ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप सॉल्व करके देखना ये क्वेश्चंस. और यूट्यूब की ही एक वीडियो में इनके सारे आंसर्स भी डिस्कस किए गए होंगे, तो आप वहां से अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, ठीक है. सो दिस पीडीएफ आई एम गोइंग टू शेयर यू इन द ग्रुप, तो आप एक बार सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना. किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हो. सो लेट मी जस्ट डाउनलोड इट एज अ पीडीएफ एंड आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, ठीक है. अभी मुझे बताओ कोई डाउट है तो, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. कोई डाउट है आयुष? ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. और जो लोग ऐप पे कोर्स देख रहे हैं, बेटा ऐप पे भी कोर्स को लाइक करने की ऑप्शन होती है, ऑल्दो वो आपको सिर्फ एक ही बार करना है, हर बार नहीं करना होता. सो यू कैन लाइक द कोर्स. एंड जो YouTube पे देख रहे हैं, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डाउनलोड द ऐप, ताकि आप ये लाइव क्लासेस फ्री में वॉच कर सकें. सो दीज लाइव क्लासेस आर फ्री टू अटेंड ऑन सैटरडे एंड संडे, बट इफ यू वॉन्ट द अदर बेनिफिट्स अवेलेबल इन द कोर्स, यू कैन एनरोल द कोर्स फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस, राइट. सो डू डाउनलोड द ऐप एंड एक्सप्लोर द कोर्स. क्लासेस आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोर्स एनरोल करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली जो अभी का टाइम है वो तो 12:30 ही है, बट आयुष आई विल ट्राई, इफ पॉसिबल आई विल चेंज, अदरवाइज 12:30 वी विल बी हैविंग द क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे बोथ. सो दैट इज इट. बाय फॉर नाउ, टेक केयर.